पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग सर आपको टोक रही हूँ जरा, इलेक्शन ब्रेकिंग हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। रुझानों में महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और देखिए ना, 3-3.5 लाख तक का मार्जिन है। मोहन प्रकाश जी कैसे मेकअप कर लीजिएगा? किस सीट पर है? किस सीट पर है वो पूछ रहे हैं अंजना। चले ठीक है, वो पिछड़ा वाला था, इस बार वाले में 35,000 का फासला है जो अभी तक दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं 18,000। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, सुनिए सुनिए मोहन प्रकाश जी, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में 34,000, मुंबई नॉर्थ में 90,000, 25,000 का फासला है मुंबई साउथ में, 1,02,962 है मावल में, माधा में भी 2,000 के आसपास का फासला है, 86,900 मुंबई नॉर्थ ईस्ट में है फासला, मैं बता रही हूँ सर। और उसी के हिसाब से आपसे कह रहा हूँ थोड़ा इंतजार करिए, आप देखते रहिए कि किस तरह से मुंबई और आसपास की कहीं, लेकिन जो पूरा महाराष्ट्र है उसमें अंत मैं बताता हूँ। मोहन प्रकाश जी, आलोक मेहता जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए आलोक जी, क्या सवाल है? देखिए मोहन प्रकाश जी, आप संगठन के व्यक्ति रहे हैं, आपको क्या नहीं लगता, बल्कि आपकी थ्योरी को कई बार पार्टी ने नहीं माना कि और लोगों के साथ समझौता, बल्कि आपका विरोध इसी बात पर पार्टी में होता रहा कि आप दूसरों के साथ तालमेल करने में ज़्यादा आगे बढ़ते थे। क्या आपको लगता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल तालमेल नहीं किया गया, मध्य प्रदेश में जहाँ के आप प्रभारी रहे वहाँ केवल कमलनाथ बचा पा रहे, संगठन चकनाचूर हो गया, क्या संगठन, आप संगठन के व्यक्ति इसलिए ये तो